चाहे नासा के स्पेसक्राफ्ट की ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिंग को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना हो, इतिहास में कई ऐसे ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन हो चुके हैं जिन पर यकीन सिर्फ तब आता है जब हम उनको अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन आज आप जिस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आमतौर पर ट्रांसपोर्ट की जाती हो। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसे होटल की जो 4 फ्लोर पर फैला हुआ है और जिसमें टोटल 86 रूम मौजूद हैं। कंक्रीट और स्टील से बने इस होटल को आखिर सही सलामत ट्रांसपोर्ट करना इतना जरूरी क्यों था? लाखों केजी वजनी ये होटल कैसे अपनी मजबूत फाउंडेशन से अलग किया गया और कैसे इसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाया गया? दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस नेक काम को जरूर कर लीजिए और साथ ही में लगे उस बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी इसी तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को। दोस्तों कैलिफोर्निया के शहर सैन होज में यह होटल 1911 में थॉमस एस मॉन्टगोमरी ने बनवाया था। इस होटल की कंस्ट्रक्शन कुछ साल पहले सैन होज में पहला रेलवे स्टेशन खोला गया था जिसकी वजह से यहाँ की पॉपुलेशन में दिन ब दिन इजाफा होता गया। जाहिर है जहाँ चहल पहल ज़्यादा होने लगती है वहीं यह अपॉर्चुनिटी बिजनेसमैन किसी भी सूरत में मिस नहीं करना चाहते हैं और टीएस मॉन्टगोमरी ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने यहाँ पर जमीन खरीद कर उस पर एक शानदार होटल और रेस्टोरेंट बनवा दिया जिसका नाम होटल मॉन्टगोमरी रख दिया गया। ये अपने दौर में लग्जरी और काफ़ी मॉडर्न होटल हुआ करता था जिसको उस वक्त की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी कंक्रीट और स्टील इस्तेमाल करके बनवाया गया था। ये तमाम फैसिलिटीज़ जो आज हर घर में मौजूद हैं ये पहली बार मॉन्टगोमरी होटल में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जैसा कि ब्लोअर फैंस, प्राइवेट बाथटब, हर रूम के लिए टेलीफोन्स लाइन और हर फ्लोर पर इजी एक्सेस के लिए एलिवेटर्स। और होटल मैनेजमेंट ने एक बस सर्विस भी स्टार्ट की जो रेलवे स्टेशन और होटल आने जाने के लिए कस्टमर को फ्री सर्विस दिया करती थी। मान ले कि यह उस दौर का 5-स्टार होटल हुआ करता था और यही वजह थी कि यह काफी ज्यादा फेमस हो चुका था, इतना फेमस कि यह सैन होज सिटी की पहचान बन चुका था। वक्त गुजरता गया और ये होटल दिन प्रतिदिन सक्सेसफुल होता गया। अगले 50 साल यानी 1920 से लेकर 1960 तक का पूरा पीरियड इस होटल का गोल्डन पीरियड माना जाता है। लेकिन उसके बाद शुरुआत हुई मॉन्टगोमरी के बुरे दिनों की। जी हाँ, 1916 के बाद बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह सिटी में धड़ाधड़ नए होटल बनना शुरू हो गए और इसके बाद होटल के सामने मॉन्टगोमरी की कंस्ट्रक्शन काफी ओल्ड स्टाइल लगती थी। होटल और रेस्टोरेंट की कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुकी थी कि इनमें मॉन्टगोमरी का सर्वाइवल करना काफी मुश्किल हो चुका था क्योंकि कस्टमर इस पुराने होटल की जगह अब नए होटल को ज्यादा पसंद करते थे। यही वो वक्त था जब मॉन्टगोमरी मैनेजमेंट ने आखिरकार होटल बंद करने का फैसला कर लिया। कंपटीशन की रेस अब इतनी बढ़ चुकी थी कि 1980 और 1990 के बाद सिटी में नए होटल बनने की कोई जगह ही नहीं बची। लेकिन दूसरी तरफ विजिटर्स की डिमांड थी जो किसी भी सूरत कम नहीं हो रही थी। 1990 में जहां मॉन्टगोमरी होटल किसी वीरान हवेली का नज़ारा देता था वहीं इसके बराबर में दूसरे 5-स्टार मॉडल होटल कस्टमर की चहल पहल से गूंज रहे होते थे। मॉन्टगोमरी के बराबर में होटल फेयर माउंट मौजूद था जिसमें 535 रूम थे। इतने ज़्यादा रूम्स होने के बावजूद भी यह होटल हर वक्त ओवरबुक रहता था और यही वजह थी कि इनको अपना होटल बड़ा करने की बेहद ज़रूरत थी। लेकिन इनको अपना होटल एक्सपेंड करने के लिए जगह चाहिए थी और ये जगह ही इनके पास नहीं थी। इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो मॉन्टगोमरी की खाली बिल्डिंग खरीद लें और फिर उसको डिमोलिश करके वहाँ फेयर माउंट होटल का दूसरा पार्ट बनवाएं। फेयर माउंट के इस प्लान के होटल में 400 रूम बढ़ने जा रहे थे। 1998 में उन्होंने मॉन्टगोमरी होटल की बिल्डिंग खरीद ली और उसको डिमोलिश करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जैसी ये खबर लीक हुई तो शहर के कई लोगों ने मॉन्टगोमरी डिमोलिश के खिलाफ एतराज किया। लोगों का मानना था कि मॉन्टगोमरी भले ही पुराना हो चुका है लेकिन यह सैन होज सिटी की पहचान है और जो लोग अपने पास्ट को तबाह कर देते हैं उनका फ्यूचर भला कैसे अच्छा हो सकता है। इसी दौरान शहर में मेयर के इलेक्शन होने वाले थे और यह एक बहुत अच्छा मौका था लोगों में फेमस होने का। रोन गोंजालेस जो मेयर के इलेक्शन के लिए खड़े थे उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन सैन होज की कम्युनिटी के साथ एक वादा किया था कि अगर वह मेयर बने तो वह किसी भी सूरत मॉन्टगोमरी होटल को टूटने नहीं देंगे। रोन गोंजालेस इलेक्शन जीतकर मेयर तो बन गए लेकिन अब उनकी बारी थी अपना वादा पूरा करने की। एक तरफ फेयर माउंट होटल को बढ़ने का सवाल था तो दूसरी तरफ शहर की पुरानी बिल्डिंग को
बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। मेयर ने इस बारे में कई एक्सपर्ट से सलाह मशवरा किए लेकिन कोई खास सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर आर्किटेक्ट के एक टीम ने एक सलाह दिया कि क्यों ना होटल मॉन्टगोमरी को वहाँ से सही सलामत हटा दिया जाए। पहले तो ये आइडिया किसी मजाक से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि किसी बिल्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना किसी के दिमाग में भी नहीं था। लेकिन मेयर को ये आइडिया पसंद आ गया और उन्होंने इस काम को अंजाम देने के लिए $12.5 million का बजट अप्रूव करवाया और साथ ही एक्सपर्ट की एक टीम भी बनवाई। जब एस्टिमेट लगाया गया तो मालूम पड़ा कि इस बिल्डिंग का वजन कम से कम 45,000 टन से भी ज्यादा है, मतलब वजन 750 अफ्रीकन एलिफेंट के वजन के बराबर बनता है। लेकिन बिल्डिंग को सही सलामत अपनी फाउंडेशन से अलग करके किसी और जगह लेकर जाना ये तो हिस्ट्री में पहली बार किया जा रहा था। इन सब मसलों के अलावा एक और मसला भी था और वह ये था कि आखिर बिल्डिंग यहाँ से निकाल कर रखी कहाँ जाएगी। एक जमीन खाली पड़ी थी और खुशकिस्मती से ये जगह मॉन्टगोमरी होटल से सिर्फ 180 फीट दूर मौजूद थी। अब ये फैसला तो हो चुका था कि होटल को अपनी लोकेशन से सिर्फ 180 फीट दूर तक लाना है। लेकिन चैलेंज था कि इस दौरान ना ही बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को कोई नुकसान हो और ना ही इसके डेकोरेशन को। साल 2000 में आखिरकार काम स्टार्ट कर दिया गया। होटल के सारे डेकोरेशन के सामान को सही से निकाल कर रख दिया गया। एंटी को प्रिजर्व करने का काम कंप्लीट हो गया तो अब बारी थी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पर अच्छी तरह रिसर्च करने की। इस रिसर्च में बिल्डिंग के कॉलम और बीम का हेल्थ चेक किया गया, साथ में बिल्डिंग के नीचे मौजूद गैस पाइपलाइन को भी ढूंढकर रिमूव किया गया। किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले फाउंडेशन डाली जाती है और फिर उस पर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, लेकिन इस केस में स्ट्रक्चर पहले से तैयार था जबकि फाउंडेशन बनानी थी। चैलेंज ये था कि ये फाउंडेशन पुरानी बिल्डिंग के हिसाब से बनाई जाए। इस नई फाउंडेशन को बनाने में 1 मिलीमीटर की भी गलती बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। न्यू लोकेशन पर स्पेशल फाउंडेशन तैयार की गई। मॉन्टगोमरी होटल एक ऐसी बिल्डिंग होने जा रही थी जिसको प्रैक्टिकली नई लोकेशन पर मूव किया जा रहा था। रिसर्च वर्क और नई फाउंडेशन का काम भी पूरी तरह कंप्लीट था। अब बारी थी उसकी जिसको सबका इंतजार था। 45,000 टन वजनी स्ट्रक्चर को उठाने के लिए 8 स्पेशल कंप्यूटराइज जैक्स मंगवाए गए, जिनको बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के नीचे लगाया गया और फिर बिल्डिंग के लोड को जैक पर डाल दिया गया। जब जैक बिल्डिंग का ज्यादातर वजन उठाने में कामयाब हो गए तो फिर एक एक करके स्ट्रक्चर के तमाम पिलर्स को काट दिए गए। यही वजह पॉइंट था जब बिल्डिंग का 100% लोड जैक्स पर आ चुका था, यानी अब बिल्डिंग अपनी पुरानी जगह छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। यह मंजर देखने के लिए आधा शहर मौके पर मौजूद था और बकाया टेलीविजन पर हैरत अंगेज मंजर देख रहा था, जिस पर खड़ी बिल्डिंग को अब बड़ी ऐतिहासिक से हटाने का काम शुरू कर दिया गया। पूरे 15 मिनटों के बाद बिल्डिंग अपनी नई लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। यह खबर मिलते ही पूरा डाउनटाउन तालियों और वोटिंग से गूंज उठा। अगले 2 सालों तक होटल मॉन्टगोमरी ने रेनोवेशन का काम चलता रहा और फिर 2002 में फाइनल रिलॉन्च किया गया। इसकी रेनोवेशन और ट्रांसपोर्ट में टोटल $26 मिलियन यानी 195 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज भी होटल मौजूद है, इसको मैरियट ग्रुप चला रही है। उम्मीद है दोस्तों आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।